सुप्रभातम छात्रों, हम सूर्यमन मिश्रण की वीर सत्संग पढ़ रहे थे। उसका अगला दोहा देखिए। साथण ढोल सुहावणो, देणो मौसम दहाय, उर्षा खेती बीज धर रजवट उलटी रहाय। साथण का अर्थ होता है सखी, सहधाय, सहधा का मतलब साथ में मरना अर्थात सती होना, उर्षा, उर्षा का अर्थ यहाँ लिया है आकाश, धर धरती, रजवट छात्र धर्म। हे सखी साथण धोल सुहावणो, हे सखी मेरे सती होने के समय तुम जो ढोल है उसको बहुत ही सुहावने तरीके से बजवाना, क्योंकि यही तो मेरे लिए आनंद की घड़ी है। अर्थात जब मैं सती होने के लिए जाऊं तो तुम अच्छे से ढोल बजवाना। देणो मो से धा, जब मैं अपने पति के साथ देव भोग के लिए स्वर्ग आरोहण करूंगी, अर्थात क्षत्रियत्व का जो बीज है, उर्षा खेती बीज धर, बीज तो कहाँ धरती पर बोया जाता है, लेकिन उसकी जो खेती है, उसके जो फल है वो आकाश में प्राप्त होते हैं। यही तो छात्र धर्म की विपरीत रहा है, अर्थात यह जो छात्र धर्म है उसकी क्या है, विपरीत रीति है, कि उसके जो बीज है वो तो धरती पर बोए जाते हैं, लेकिन उसका जो फल है वो आकाश में ही प्राप्त होते हैं। इसलिए उसने कहा साथण ढोल सुहावणो, देणो मोसे दहा। इसलिए हे साथण, तुम्हें जो ये ढोल है इसको सुहावने तरीके से बजाना, जब मैं अपने पति के साथ सती होने के लिए जाऊं, क्योंकि जो राजपूत है, छात्र धर्म है, इसकी राह तो विपरीत होती है, कि इसके जो बीज है वो तो धरती पर बोए जाते हैं, लेकिन जो फल है वो आकाश में हमें प्राप्त होते हैं। ढोलन ढोलीसु कहे पला उतावल मोहे, भीणो वाई दुवाई चर भीणो नाय सनाए। ये भी वीर सत्सही से ही लिया गया है, और युद्ध प्रारंभ होने वाला है, उसके लिए ढोली को भी तैयार हो जाना चाहिए। इसी वर्णन के साथ कवि क्या कह रहे हैं, देखो। ढोलन ढोली सु कहे, कि ढोली से उसकी स्त्री कहने लगी, क्या कहने लगी, ढोलन ढोली सु कहे, ढोली से उसकी स्त्री कहने लगी कि तुम भी चलने के लिए तैयार हो जाओ। पला उतावन मोहे, तुम भी यहाँ से जल्दी से जल्दी चलने के लिए तैयार हो जाओ। उतावन मोह का मतलब होता है जल्दी से चलने के लिए, पलोम पलोम होता है चलना, ठीक है, कि तुम भी युद्ध प्रारंभ होने वाला है इसलिए चलने के लिए तैयार हो जाओ। भीड़े वाहे दुवाहे चल भीड़े नाय सनाय, क्योंकि रईस योद्धा के घोड़े को कस रहा है और स्वामी कवच कस रहे हैं। जो रईस है वो क्या कर रहा है, भीड़े वाय दुवाए चर, घोड़े के जो जो योद्धा है उसके घोड़े को कस रहा है, भीड़े नाय सनाए और स्वामी कवच कस रहा है। काली फील कड़ाए ले की खप्पर तो हत, हे के साथ धपा धपड़ी मो दल गज मत। एक वीर छत्राणी का कथन है, वह काली को संबोधित करते हुए कह रही है कि तुम खप्पर की बजाय कड़ा अपने हाथ में ले लो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत सारे रक्त की प्राप्ति होगी। हे कालिका, तूने ये खप्पर हाथ में क्यों लिया है। काली कील कड़ाए ले की खप्पर तो हत, कि तुमने खप्पर हाथ में क्यों लिया है, तुम तो अपने हाथ में क्या लो, कड़ा लो, क्योंकि हाथी के शरीर जैसा बड़ा सा कड़ा ही तुम्हारे लिए शोभा देगा, जिसमें क्या होगा, हे के साथ धपा धपड़ी मो दल गज मत, इसमें दलित गज मस्तक डालकर मेरे वीर पतिदेव तुझे तृप्त कर देंगे। जो गज है मतलब युद्ध भूमि में इतना मारकाट करेंगे, इतना रक्त बहेगा कि तुम उसको खप्पर में धारण मतलब नहीं ले पाओगी, इसलिए कड़ा ही लो और उसमें जो रक्त है उस रक्त का तुम पान करो।
नाग द्रुमका की पढ़ई नागण धर मचकाए, नरा भोगना हार जे आज बढ़ाना आए। नाम द्रुमका की पढ़ई, यह दोहा कवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सत्य से ही दिया गया है। इसमें वीरों की विशाल सेना के चलने से धरती लचकने लगती है। तब नागन ने इसका कारण पूछा और इस दोहे में उसी का ओजस्वी वर्णन हुआ है। नाग द्रुमका की पड़े, द्रुमका मतलब धमाका। शेष नाग से नागन ने पूछा कि हे नाग, ये धमाके किस कारण हो रहे हैं? नाग द्रुमका की पड़े कि ये धमाके किस कारण से हो रहे हैं? नागण धर मचकाए। शेष नाग ने उत्तर दिया कि हे नागिन, पृथ्वी हिल रही है, धर मचकाए। नागण, हे नागिन, यह पृथ्वी हिल रही है। क्यों हिल रही है भाई? इनरा भोगण हार जे आज बनाना आए, क्योंकि इसका उपभोग करने वाले जो वीर है वो आज भिड़ गए हैं और उसी भिड़ंत के कारण से ये पृथ्वी हिल रही है। निधड़क सूता केहरी तो सु बुमुआ पाव, गज गेंडा धीर नरी वज्र पड़े भगव भगवाव। निधड़क सूता केयर, इसमें वीरों और कायरों के स्वभाव पर चर्चा की गई है। देखिए, निधड़क सूता केहरी, सिंह निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोया रहता है। निधड़क निश्चिंत होकर केहरी सिंह सूता सोया रहता है। तो भी विमोहा पाव, तो भी हाथी और गेंडे धैर्य धारण नहीं कर पाते हैं। गज गेंडा धीर न धरई, या गज और गेंडा हाथी और गेंडे जो है वो धैर्य धारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पैर पीछे ही पड़ते हैं। बीमुहा पैर, बीमुहा मतलब विपरीत दिशा में अर्थात पीछे की ओर ही पड़ते हैं। वज्र पड़े वह गाव, क्योंकि बाघ की गंध मानो उस पर वज्र का पिया प्रहार करती है, क्योंकि वो उसकी गंध से ही इतनी व्याकुल हो जाते हैं कि जो अधीर हो जाते हैं, अपने धैर्य को खो बैठते हैं, क्योंकि वो उसकी खुशबू से ही डर जाते हैं। इसलिए उनके जो पैर है वो विपरीत दिशा में ही पड़ते हैं। झंडा उछाड़े गयन वसुधा पांडे बाहे, तो भी तोरण बींद तिम धीरो धीरो नाए। इस दोहे में सैन्य प्राण तथा श्रेष्ठ योद्धा के स्वभाव का वर्णन किया गया है। कोई वीरांगना कहती है कि क्या कहती है, झंडा ओछाणे गयन वसुधा पांडे वाहे, कि आकाश सैनिकों के जो झंडे हैं उनसे आवृत हो चुका है। सैनिकों के जो झंडे हैं उनसे ओछाणे माने ढक चुका है, आवृत हो चुका है। वसुधा पांडे नहाए, और जो धरती है वह घोड़े धावे करने की जो उनकी खुर है उनसे खोदी जा चुकी है, अर्थात घोड़े के चलने से वह खोद चुकी है। तो भी तोरण बींद तिम धीरे धीरे नहाए, तो भी तोरण पर दूल्हे के समान मेरा पति अनुदग्न चित से धीरे धीरे शान के साथ आगे बढ़ रहा है। कि मेरा जो पति है वह उसका जो चित है वह देख भ्रमित हो चुका है, ऐसे वो देख भ्रमित चित से धीरे धीरे युद्ध की ओर बढ़ रहा है। आज घर सासू कहे हरख अचाकण काय, बहु बलेवा हुलस पूत मरेवा जाए। इसमें मरण उत्सव का सुंदर चित्रण किया गया है। देखो, घर पर सासू क्या कह रही है बहू से, आज घर सासू कहे, ये घर पर सास कह रही है कि हरख अचाकण काय, यह आज अचानक हर्ष किस बात का हो रहा है? हरख मनी हर्ष, अचानक मनी अचानक किस बात का हो रहा है? बहु बलेवा हुलस पूत मरेवा जाए, कि आज पुत्र वधु सती होने के लिए उल्लसित हो रही है और पुत्र युद्ध भूमि में प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहा है। या और पुत्र तो प्राणों का बलिदान करने जा रहा है,
और इस बलिदान के परिणाम स्वरूप मेरी जो पुत्रवधु है वह सती होने के लिए उमंगित हो रही है। सती होने और वीरगति पाने इन दोनों ही मौके मिलने से जो पुत्रवधु है वह प्रसन्न चित्त हो रही है और वह अपनी प्रसन्नता इन शब्दों में अभिव्यक्त तो कर रही है। तो जो सूर्यमल मिश्रण है उसकी यही व्याख्या तुम्हारे सिलेबस में दी हुई थी, वो मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। अब तुम उनके क्वेश्चन तैयार कर लेना, तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं उनको नोट कर लीजिए। क्या एक तो है जो सूर्यमल मिश्रण वीर रस के अवतार है, इस कथन की सह उदाहरण समीक्षा कीजिए। और एक ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्यमल मिश्रण के कला और भाव पक्ष का उल्लेख कीजिए। ठीक है, काव्यगत विशेषता है ज़्यादा मोस्ट है, तो इनको तुम तैयार कर लेना। इसमें कला और भाव दोनों ही पक्ष तुम्हें तैयार करने हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और छोटे क्वेश्चन भी तुम्हें तैयार करने हैं कि ये मतलब इनके काव्य में कौन सा रस है, सूर्यमल मिश्रण की किन्हीं दो कृतियों का नाम लिखिए था और इसकी रचना कब की गई, सूर्यमल मिश्रण किस राजा के आश्रम में रहते थे, किसके में रहते थे, राम सिंह के आश्रम में। ठीक है, वंश भास्कर की रचयिता कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी तुम्हें तैयार करने हैं। ठीक है, और कोई पंक्ति भी पूछी जा सकती है, इसे परजाउधवा किन्हें कहा गया है, वीर सत्सिम रंग अधुआ किसे कहा गया है, ये दोई पख उचला जूझण जोधा जूझण पूरा जोध, कवि के अनुसार किसने और कौन से पक्ष का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन उस पर पूछे जा सकते हैं।